WP plugin developer हैं, core contributor हैं, community को help करने में बहुत अच्छा इनको लगता है. अब्दुल्ला हमारे पास मौजूद हैं. अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं. Get on the stage. Assalamu alaikum. Abdullah here from Press Tigers. As Kamran introduced, I am the plugin developer from Press Tigers site, and I am the WP core contributor dev as well. I am contributing to core since 4.9.3, and I love to contribute to WordPress open source projects as well. Also, I am the international. Where is so? Just a minute. Yes, slides. No. I love to contribute to open source. I am the international representative for WP Urdu Support Forum. WP Urdu Support Forum जो है वो सेटअप हो चुका है और उसके लिए मैंने थोड़ा सा मतलब तगो तो की है. और आप लोग जो इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं या जो लोग उर्दू जिनकी अच्छी है वो उर्दू के अंदर अपना क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं ur.wordpress.org पे, ठीक है. और आपको इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स किया जाएगा उर्दू के अंदर ही, ठीक है. और अभी तक ये सेटअप नहीं हुआ, सेटअप हो चुका है लेकिन अभी तक ये इसको किक ऑफ नहीं किया. तो मुझे कुछ वॉलंटियर्स भी चाहिए होंगे. अगर कोई हेल्प करना चाह रहा है उर्दू के अंदर, लोगों को हेल्प करना चाह रहा है, तो मोस्ट वेलकम. यू कैन रीच मी इन हैप्पीनेस बार. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज गुटेनबर्ग. मेरी जो टॉक है वो गुटेनबर्ग के ऊपर होगी कि गुटेनबर्ग क्या है और उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक. और थर्ड जो है कि गुटेनबर्ग के अंदर कस्टम ब्लॉक कैसे जो है वो डेवलप किया जाता है. और उसके बाद जो लास्ट थिंग है इसके अंदर कि आप गुटेनबर्ग के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ डिवेल्पर, एज अ नॉन डिवेल्पर, एज अ नॉन टेक्निकल. एनी वन कैन कंट्रीब्यूट टू गुटेनबर्ग. ऑलराइट, सो तो नहीं रहे सारे यार. सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार आपकी लास्ट टॉक है और सारे लोग जब आप आएंगे सो रहे होंगे, तो एक दफा हाथ हिला दें जो जाग रहे हैं. थैंक यू सो मच. बाकी इतने लोगों ने एक्सरसाइज करवाई है तो मैंने तो जस्ट हाथ हिलवाए हैं यार. अच्छा, और ये गुटेनबर्ग क्या है? गुटेनबर्ग बेसिकली एक न्यू वर्डप्रेस एडिटर एज ऑफ सम टाइम्स एंड रियली लाइक टू हैपनिंग इन 5.0. इट्स लाइक Tiny MC, what you see is what you get. Like you can see just one thing. Who is know about Gutenberg? Just raise hands. Who knows about WordPress? Oh, sorry, Gutenberg. Anyone use Gutenberg? Anyone develop custom blog? Okay, thank you. अच्छा, तो इसमें आपने वर्डप्रेस एडिटर यूज़ किया होगा, क्लासिक एडिटर है उसके अंदर कि टीनी एमसी जो है वो यूज़ किया होगा, कि उसके अंदर एक साइड एक टैब में व्यू है और एक टाइम में आप क्लासिकल रॉ एचटीएमएल रखते हैं और व्यू के अंदर जो है वो उसका जो है प्रीव्यू दिखाता. वो गुटेनबर्ग भी सेम इसी तरह की चीज़ है कि जो आप चीज़ फ्रंट एंड पे देखना चाह रहे हैं सेम वही चीज़ है वहाँ पे, उसका प्रीव्यू वहाँ पे लिस्ट हो रहा होता है. और सेम इसमें भी वही चीज़ है. और इसके बाद जो इसमें है कि कंटेंट पैराडिग्म इज ब्लॉक. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर क्या है कि उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं हर चीज, सेम ये भी प्रिंटिंग. ये जो गुटेनबर्ग का बेसिकली जो आइडिया लिया गया है ये प्रिंटिंग प्रेस से लिया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जब न्यूज़पेपर जो है वो उनको पब्लिश किया जाता है तो वो ब्लॉक्स की शेप में होता है और ब्लॉक्स में जो है वो एवरी कंटेंट इज मैनेज थ्रू ब्लॉक्स. कोई भी छोटी सी न्यूज़ हो, बड़ी हो, कोई ऐड हो, वो ब्लॉक में. सेम इस तरह इसमें आप जो है गुटेनबर्ग के अंदर ब्लॉक को यूज़ करके आप जो है उसको अपना लिख सकते हैं कुछ भी. आप पेज को सेट करना चाह रहे हैं, कोई पोस्ट टाइप है, कोई ब्लॉग है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं उसके साथ.
And the fourth thing is comes with simple blocks, but you can develop custom blocks. Gutenberg है, इसके अंदर कुछ by default blocks भी हैं जो mostly use होते हैं, उसके अंदर social share के लिए है, paragraph के लिए है, formatting के लिए है, और आप कह सकते हैं इसके अंदर video sharing के लिए online, जैसे YouTube को आपने वहाँ पे embed जैसे कहते हैं, as a embed blog भी यहाँ पे हैं, जो भी generically use होते हैं bloggers के लिए, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं. Gutenberg and other page builders. Other page builders, आपने mostly जो bloggers हैं या WordPress के user हैं, उनको पता होगा Visual Composer, Divi Builder, Bivy Builder, Elementor and Page Builder by Site Origin. ये सारे plugins आपने देखे होंगे, use भी किए होंगे जो WordPress user हैं और इन्हीं से में से मतलब इनके drawbacks भी अपनी जगह पे हैं और Gutenberg के भी pros and cons हैं अपनी जगह पे. आप मतलब कि जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, यूजर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनको बेहतर पता होगा. लेकिन मैं अभी जो वर्डप्रेस की जो करंट सिचुएशन है, इसके अंदर जो है Gutenberg अभी भी इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, अभी भी बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज हैं जो अभी फिक्स होने को हैं. और अभी जो मैट मुलन वेग है, उसने अनाउंसमेंट की थी इधर वर्ल्ड कैम्प बेलग्रेड में, सर्बिया में, जो वर्ल्ड कैम्प यूरोप हुआ था, उसके अंदर कहा था उसने कि हम मैं वो रोड मैप के अंदर डिस्कस करूंगा जो जो चीज़ें उन्होंने प्लान की थी कि ये Gutenberg जो है वो कैसे प्लान किया जाएगा नेक्स्ट और कितने टाइम के अंदर इसको हम जो है लॉन्च करेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज द विजन बिहाइंड द डेवलपिंग Gutenberg अ प्लगइन. इसमें क्या है कि एवरीथिंग इज अ ब्लॉग. Gutenberg प्लगइन है और इसके अंदर अगर हमने कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, कुछ भी लिखना है अपने प्लगइन के अंदर, सिंपल एक पैराग्राफ टेक्स्ट से लेके कोई डिफरेंट फॉर्मेट्स लेके जो भी आप इसके अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग के अंदर, कोई गैलरी है, कोई इमेजिनरी गैलरी है, कोई स्लाइडर है, जो भी है, वो आप इसके अंदर हर ब्लॉग को यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर. और जिस जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे सेम उसी डायरेक्शन में उसी डिस्प्ले के अंदर जो है वो फ्रंट पे और वहाँ पर आपको जो प्रीव्यू मिलेगा. एंड द सेकेंड थिंग इज ऑल ब्लॉक्स आर क्रिएटेड इक्वली. और इसके अंदर जो भी 15 से 20 ब्लॉक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो उन सबको इक्वली जो है वो डिज़ाइन किया गया है. एंड द थर्ड थिंग इज ड्रैग एंड ड्रॉप इज अडिक्टिव. इसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप जो एलिमेंट्स आपने ब्लॉक के अंदर बनाए हुए हैं, जो भी इनको लिस्ट किया है वो अपने कॉन्टेंट को, वो आपको उनको मूव अप डाउन जो है वो कर सकते हैं आप उनको. एंड द फोर्थ थिंग इज प्लेस होल्डर आर द की. इसके अंदर जो ब्लॉग्स के अंदर मैनेज हो रहे हैं ये इसके अंदर कंटेंट जो ब्लॉग है उसके अंदर आप जो प्लेस होल्डर है वो की है, उसी के थ्रू जो है ना वो उसका जो प्रोसेस है ब्लॉग का वो वर्क करता है. एंड द फोर्थ थिंग इज डायरेक्ट मैनिपुलेशन. आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाएंगे, किसी भी ब्लॉग के ऊपर जाएंगे, जैसे आपने विजुअल कंपोजर यूज़ किया होगा या आप एलिमेंटोर यूज़ करते हैं या बीवर बिल्डर, उसके अंदर क्या है एक एलिमेंट बना होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं एडिट पे, फिर जाके वो सामने पॉपअप के ऊपर आपको कंटेंट लिस्ट हो रहा होता है, फिर आप उसको एडिट करते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर जाके वो आपका काम होता है. इसमें क्या है, इसमें आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी ब्लॉग को आपने अपडेट करना है तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके उनको चेंज करेंगे और डेफिनेटली आपकी जो चेंजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगी. एंड द फिफ्थ थिंग इज द कस्टमाइजेशन द टॉकिंग द विच वी आर टॉकिंग अबाउट. And the next thing is Gutenberg. Here we I discuss about the basic structure of the Gutenberg, how we can start development for the custom blog development. First thing is Gutenberg based on React.js, a modern JS library by Facebook. अगर आपने कोई बंदा भी Gutenberg के अंदर जो है वो कस्टम ब्लॉग बनाना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले रिएक्ट आनी चाहिए, रिएक्ट का नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद जो है मोस्टली यूज ES6 एंड JSX सिंटैक्स विच मेक्स राइटिंग रिएक्ट मच इजियर. इसके अंदर दो तरह के सिंटैक्स हैं, ES6 और JSX, जिसके अंदर ये रिएक्ट को लिखा जाता है. एंड द थर्ड थिंग इज Gutenberg यूजेज एट्रीब्यूट्स टू इंटरेक्ट विद द ब्लॉग्स. जो Gutenberg की ब्लॉग API डिज़ाइन की गई है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो WordPress डेवलपर हैं वो बेहतर जानते हैं कि कोई भी API जब आप देखते हैं लाइक पोस्ट टाइप्स है उसके अंदर आपका कोई फंक्शन है तो उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप सारी मैनिपुलेशन सारी कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं.
उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए, उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए आप जो है ना उनको ब्लॉक्स को जो है वो कर सकते हैं। मुझे टाइम थोड़ा दिया गया तो इसलिए मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू रजिस्टर अ ब्लॉग यू हैव एन एडिट मेथड एंड अ सेव मेथड। अब सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप एक कस्टम ब्लॉग बनाना चाह रहे होंगे तो उसके अंदर सिर्फ दो मेथड होते हैं, एक एडिट का मेथड होता है और एक सेव का मेथड होता है। ब्लॉग एपीआई गुटेनबर्ग कोर टीम ने लिखी हुई है, आपने उस ब्लॉग एपीआई को यूज़ करते हुए दो फंक्शन लिखनी है, एक एडिट का और सेव का, और उसमें ही आपका जो है ना वो ब्लॉग एक सिंपल रेडी हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि आप रिएक्ट का कितना आपको एक्सपीरियंस है, उस रिएक्ट को यूज़ करते हुए आप अपना कस्टम ब्लॉग जो है वो बना सकते हैं। And the next thing is the save method is responsible for turning the attributes into HTML that will be then shown on posts and pages. अब जो जो चीज़ हम जो भी content हम blog के अंदर add करते हैं, ठीक है, वो blog के अंदर जो content है वो as a HTML वहाँ पे या JSON format में mixed format में वो DB के अंदर save हो जाता है। जहाँ पे भी उसको fetch करते हैं तो वो उसके वो उसको जो है ना रियल कंडीशन में उसको फिर डिस्प्ले करवा देता है वहाँ पे वो। एंड द सेकंड थिंग इज द एडिटर साइड, गुटेनबर्ग रीड्स एट्रीब्यूट्स फॉर ईच ब्लॉक एंड देन सेट्स द एडिटर मेथड विद दोज एट्रीब्यूट्स। गुटेनबर्ग क्या करता है कि वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो रीड करता है, उनको फिर वो कन्वर्ट करता है उनकी जो ओरिजिनल पोजिशन है उसके ऊपर, जो ओरिजिनल स्टेट है उनकी। Then the editor method then allows user to interact with the block and the change the attributes. जो editor method है वो उसके बाद जो है वो users को interact के लिए जो भी user है lifetime की lively जो है वो किसी भी content के ऊपर उनको उसको change कर सकता है कुछ भी content। वो for example आप कोई भी simple paragraph है उसको आप update करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जब आप कुछ भी type करेंगे, कुछ भी update करेंगे, edit करेंगे तो डेफिनेटली वो उस एट्रीब्यूट के साथ, उस कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और फौरन उसका जो भी प्रीव्यू है उसको वो दिखाएगा वो आपको साथ ही। फोर्थ थिंग इज द एडिटर मेथड कैन इंक्लूड द प्रीव्यू ऑफ द ब्लॉग हाउ इट लुक्स। जो अभी मैंने आपको बात की कि जो भी हम उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं उसी का वो प्रीव्यू भी हमें उसी वक्त वो दिखाता है वो। दिस इज द real format that is being saved in the WP post content of the database used by the WordPress. जो भी हम काम करते हैं, for example कोई भी content है उसके अंदर हमने content block है, content को हमने update किया, जो उसका format है उसके अंदर उसका जो भी name है उस name से वो उसका tag start हो जाता है, जैसे WP block party, block Gutenberg, pricing table। अब प्राइसिंग टेबल क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक को यूज़ करते ही उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स की फॉर्मेट के अंदर वो डाटा जो है वो सेव होता है और उसके बाद इसके अंदर मिक्स्ड एचटीएमएल भी होती है और कुछ जेसन फॉर्मेट भी होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द गुटेनबर्ग रोड मैप, कि ये गुटेनबर्ग को जब 2017 के अंदर प्लान किया गया तो वो इसको स्टार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखी गई हैं, जो कुछ अभी तक डेवलप हो गई हैं और कुछ जो है अभी भी रहती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज गुटेनबर्ग विल बी टर्न्ड ऑफ। इसके अंदर क्या है कि गुटेनबर्ग जैसे आप एक प्लगइन यूज़ करते हैं या कोई थीम यूज़ करते हैं, जैसे विजुअल कंपोजर है, आप उसको विजुअल कंपोजर को इंस्टॉल करते हैं देन वो फिक्स हो जाता है, जब उसको आप एक्टिवेट करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है हर पेज के अंदर, हर पोस्ट के अंदर, ठीक है, आप उसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है गुटेनबर्ग के अंदर आप जो है उस गुटेनबर्ग प्लगइन को आप टर्न ऑफ स्विच ऑफ करके आप क्लासिक एडिटर में भी मूव हो सकते हैं। द सेकंड थिंग इज मेटा बॉक्सेस विल बी सपोर्टेड। इसके अंदर जो प्लान किया गया था कि जो पोस्ट के अंदर मेटा बॉक्सेस होते हैं उनको भी जो है ना वो सपोर्ट करे। स्टार्ट के अंदर जो 1.0 रिलीज हुआ है, 2.0 हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ें सारी नहीं थी और ये अब ये मेटा बॉक्सेस वाली सपोर्ट अभी भी शामिल है इसके अंदर। द थर्ड थिंग इज कस्टम पोस्ट टाइप विल बी सपोर्टेड। फर्स्ट टाइम जब ये रिलीज़ हुआ तो उसके अंदर ये पोस्ट टाइप की अपडेट भी नहीं थी, उसको भी सपोर्ट नहीं थी इसकी, तो उसको भी इन्होंने अब सपोर्टेड बना दिया है इसके लिए। अब जो कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर भी आप गुटेनबर्ग का यूज़ कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक थीम टू यूज़ गुटेनबर्ग। और इसके अंदर ये ज़रूरत नहीं है कि आप थीम के अंदर फिक्स रह के इसी के अंदर आपने यूज़ करना है, इसी फॉर्मेट को फॉलोअप करना है, इसके अंदर आप अपना थीम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए
किसी वर्डप्रेस थीम की भी ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 5.0 के अंदर ये शिप भी हो जाएगा और इसका किसी से कोई भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि भी इसके लिए फ़लाँ थीम या फ़लाँ प्लगइन लाजमी हो. एंड द फिफ्थ थिंग इज़ एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट एन आफ्टर थाट. इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी के हम प्लगइन को फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग है हम लिख रहे हैं कोई ब्लॉग उसके अंदर जो ब्लॉग्स हैं हम उनको जो कीबोर्ड की कीज हैं उसके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, इसको एक्सेसिबिलिटी कहते हैं. एंड द फिफ्थ थिंग इज गुटेनबर्ग कॉल आउट विल बी एडेड इन फ्यूचर वर्डप्रेस रिलीजेस. क्योंकि ये एक माह पहले की स्लाइड बनी हुई है तो रिसेंटली 4.9.8 जस्ट अभी एक दिन पहले रिलीज हुआ है और उसके अंदर जो है ये गुटेनबर्ग की कॉल आउट उन्होंने ऐड कर दी है कि उसके अंदर वो उन्होंने बताया कि हम 5.0 के अंदर इसको लॉन्च कर रहे हैं, आप इसको एक ट्राई दें अपने इसको यूज़ करें और इसका फीडबैक जो है हमें दें. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डैट मैट मुलनबेग सेड इन वर्ल्ड कैंप यूरोप डैट इज हेल्ड इन डैट वाज हेल्ड इन सर्बिया. द फर्स्ट थिंग इज ऑल क्रिटिकल इश्यूज विल बी रिजॉल्व. जो लोग गुटेनबर्ग के ऊपर काम कर रहे हैं आपने देखा होगा कि कुछ मैंने भी रिपोर्ट किए इश्यूज एक दो उनके ऊपर फॉलो अप प्रॉपरली हो रहा है अब और जो इश्यूज हैं वो फिक्स हो रहे हैं. टीम जो है प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ काम कर रही है रेगुलरली और जो इश्यूज हैं क्रिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर काम हो रहा है और वो स्टेप बाय स्टेप फिक्स भी हो रहे हैं. एंड द सेकंड थिंग इज इंटीग्रेशन विद कैलिप्सो ऑफरिंग ऑप्टिन यूजर्स. ये वर्डप्रेस वालों का ही एक वो टूल है उसके साथ भी इसकी इंटीग्रेशन जो है वो भी एक प्लान के अंदर है. एंड द थर्ड थिंग इज 100K प्लस साइट्स हैविंग मेड 250 पोस्ट यूजिंग गुटेनबर्ग. इनका ये भी प्लान है कि जब गुटेनबर्ग के अंदर इतनी पोस्ट हो जाएंगी इतने सेट्स आ जाएंगे तब जो है हम इनको गुटेनबर्ग जो है ना वो भी लॉन्च कर देंगे. अभी बीटा वर्जन है अभी इसको जो है ना वो यूज नहीं कर टाइम एंड अभी 5 मिनट है. थैंक यू भाई. अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज जो प्लान के अंदर है कि इसका जो मोबाइल वर्जन है वो भी एंड ऑफ द ईयर जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा. इसके अंदर गुटेनबर्ग एपीआई के अंदर मैं अब इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ गुटेनबर्ग क्योंकि आप लोग नहीं चाह रहे सुनना तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ. ऐसे ही ना जस्ट 2 मिनट्स अब काम की बात अब आने वाली है सिर्फ 2 मिनट. अच्छा इसके अंदर गुटेनबर्ग टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर आप एपीआई पढ़ेंगे हैंडबुक पे जाएंगे तो उसके अंदर थीम की सपोर्ट भी है कि आप जो भी टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे कस्टमाइज करेंगे उसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं कि कोई और बंदा जो है ना उसको यूज़ ना कर सके. इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं मैं स्लाइड्स हैं इनको pressagar.com पे या कहीं और पे इसको मैं रख दूंगा आप इसको देख सकते हैं बाद में. अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि इसके लिए गुटेनबर्ग कस्टम ब्लॉक के लिए रिएक्ट चाहिए और रिएक्ट के लिए जो भी वो नोड मॉड्यूल्स हैं वो सारे जो सेटअप है वेब पैक और बेबल जो है उसके लिए वो ज़रूरी है तो वो उसके लिए आप एक सिंपल जो है वो ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन टूल जो है वो यूज़ करके आप इसका एक आप इसको बॉयल प्लेट कह लें या आप ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन टूल कह लें जैसे कि आपने सुना होगा वर्डप्रेस प्लगइन बॉयल पेड मोस्टली जो प्लगइन डेवलपर है उसको यूज़ करके जो है वो करते हैं वो प्लगइन बॉयल पेड को यूज़ करके वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करते हैं उसको फिर आगे अपनी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करते हैं. तो इसके अंदर क्या है कि जब आप वो टूल यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसके अंदर और आप लोगों के लिए मैंने एक सिंपल ब्लॉग रेडी किया हुआ है आप ये उसका लिंक है abdullah1908/simple-paragraph-blog ठीक है. इसके ऊपर आप जाएं एक सिंपल पैराग्राफ का ये जैसा इसको आप फोर्क करें और अपने पास इसको एज अ प्लगइन इंस्टॉल करें और आप देखेंगे कि आपका एक नया पैराग्राफ जो है उस ब्लॉग के अंदर ऐड हो जाएगा और वहाँ से आप उसको अपने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उसके अंदर अपना नया ब्लॉग बना सकते हैं उसको फॉलो करते हुए. तो उसके अंदर द नेक्स्ट थिंग इज कि उसके अंदर जो 2-3 कॉल बैक फंक्शन है मैं जस्ट उनका बताऊंगा और उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा.
The first thing is, जब वो आप जीरो कॉन्फ़िगरेशन टूल के साथ क्रिएट गुटन ब्लॉग जो है उसके अंदर जब आप उसको यूज़ करके आप नया जब आपके पास वो एक डायरेक्टरी आ जाएगी तो उसको यूज़ करते हुए आप जब एक फाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक ब्लॉग डॉट जी एस की फाइल मिलेगी, मेन फाइल जो है उस फाइल के अंदर आप क्या करेंगे, एक स्टाइल डॉट सैस की फाइल और एक एडिटर डॉट सैस, जो एडिटर जो एडिटर डॉट सैस जो है वो बैकएंड के लिए यूज़ हो रहा है बैकएंड की स्टाइलिंग के लिए, और जो स्टाइल डॉट सॉस है वो फ्रंट एंड की स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। और इसके अंदर फिर आप इंटरनेशनलाइजेशन के लिए ट्रांसलेशन के लिए आप जो है वो कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे, और सेकंड जो है डब्ल्यू पी डॉट ब्लॉक्स की एपीआई को यूज़ करते हुए आप एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे रजिस्टर कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करेंगे रजिस्टर पोस्ट टाइप। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप इम्पोर्ट गुटनबर्ग डिफॉल्ट कंपोनेंट हेयर, उसके अंदर आप क्या करेंगे कॉन्स्टेंट आप प्लेन टेक्स्ट जो भी है वो आप डिफाइन करेंगे और उसके अंदर आप उसको डब्ल्यू पी एडिटर की जो भी उसने गुटनबर्ग वालों ने एपीआई लिखी है उसको यूज़ करके आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट आप फ्रेगमेंट करेंगे जो डब्ल्यू पी एलिमेंट को कंट्रोल करेगा। इसके बाद जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर क्या है कि कुछ भी जैसे प्रेस टैग स्लैश ब्लॉग जो भी नाम है इसका मैंने रखा हुआ प्रेस टैग डैश ब्लॉग डैश सिंपल पैराग्राफ ब्लॉग, इसके अंदर क्या है इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। ये जो कॉल बैक है ये बेसिकली डब्ल्यू पी ब्लॉक ए पी आई जो है गुटनबर्ग की जो ए पी आई है उसको यूज़ करते हुए हम ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो है हम पैरामीटर्स जो भी सेट किए हुए हैं उसके अंदर ब्लॉग का टाइटल है उसका जो आइकन है उसकी कैटेगरी है उसके कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम ये जो भी आप उसका नाम रखना चाहें हम उसको सेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर टाइप है कि जो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स की टाइप है कि आपका जो ब्लॉक है वो किस टाइप का है वो उसका जो इसके अंदर क्या स्ट्रिंग है और सोर्स जो है वो चिल्ड्रन है और सेक्टर सिलेक्टर जो है उसके अंदर जो भी एचटीएमएल है उसका सिलेक्टर जो भी है एच टैग्स हों या डिफरेंट पी ओ डिव व्हाटएवर जो भी रखना चाह रहे हैं आप। और सेकंड जो है इसके अंदर एक एडिटर का फंक्शन है, और एडिटर के फंक्शन के अंदर क्या है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप उस जो एडिटर का फंक्शन है उसको आप जो है चलाएंगे उसको मैनेज करेंगे अपने हिसाब से। कि उसके अंदर फर्स्ट थिंग जो है कि जो हमें कॉन्टेंट जो है वो कॉन्स्टेंट डिफाइन किया हुआ और उसके रिटर्न के अंदर हम जो हमने वो कॉन्स्टेंट स्टार्ट में डिफाइन किए हुए थे उसके ऊपर लाइक इस सिलेक्टेड के अंदर जो है वो प्लेन टेक्स्ट है और टैग नेम के अंदर पी है और क्लास नेम जो भी आप रखना चाहेंगे इसके सारे पैरामीटर्स हैं, और इन पैरामीटर को यूज़ करते हुए आप उस ब्लॉग जो भी आपका ब्लॉग है आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। एडिटर एडिट फंक्शन के बाद एक सेव का फंक्शन है, सेव के फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ें सेव करवाना चाह रहे हैं जो भी फ्रंट एंड पे फेच करना चाह रहे हैं वो इसको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो भी उसके लिए हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन है गिटहब के लिए, एक तो वर्डप्रेस जो गिटन क्योंकि ये गुटेनबर्ग जो है ये गिटहब से मैनेज हो रहा है अभी एज अ प्लगइन ही काम कर रहा है और 5.0 के अंदर ये कोर के अंदर शिप किया जाएगा अभी एज अ प्लगइन ही है तो ये गिटहब से मैनेज हो रहा है आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं जितने भी ब्लॉक्स हैं आप उनकी डिटेल जो है वो इस यूआरएल के ऊपर है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है तो आप उसके अंदर अपना जो ब्लॉग है वो कस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। एंड द लास्ट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कोई बंदा गुटेनबर्ग के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है कि एक जो डेवलपर है अगर आप कोई भी आप में से डेवलपर है और वो गुटेनबर्ग के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है तो आप सिंपल गिटहब के ऊपर जाएंगे वहाँ पे इश्यूज देखेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियल है बिगिनर लेवल पे हैं तो आप गुड फर्स्ट इश्यूज वहाँ पे लेबल जो है वो वहाँ पे होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप अगर आपका बिगिनर लेवल है तो आप गुड फर्स्ट इश्यूज को देख सकते हैं उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज एक डैनियल है उसने एक अपना एक प्लगइन डेटाबेस बनाई है उसके अंदर जितने भी प्लगइन्स हैं जो जिनकी एक्टिव इंस्टॉल 10,000 प्लस है वो उन्होंने एक सैंडबॉक्स टेस्ट इन्वायरमेंट बनाया हुआ है उसके अंदर जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे साइन इन होना पड़ेगा इस यूआरएल के ऊपर plugincompare.daniel.com। इसके अंदर क्या है
कि आपको जस्ट इस साइट के ऊपर साइन अप करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल मिलेगी अकाउंट की, अकाउंट की अप्रूवल के बाद आपके पास नंबर ऑफ प्लगइन्स होंगे, आप किसी भी प्लगइन को क्लिक करेंगे तो वो एक आपके लिए एक नया सैंडबॉक्स टेस्ट एनवायरनमेंट ऐड दिखा देगा और उस टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर आपको जस्ट आपने ये टेस्ट करना है कि ये प्लगइन गुटेनबर्ग के साथ कंपेटिबल है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा जॉब बोर्ड है, जॉब बोर्ड के अंदर क्या है कि शॉर्ट कोड इंसर्टर है, वो जो अब जॉब बोर्ड के अंदर जाएंगे अब उसमें देखेंगे कि शॉर्ट कोड इंसर्टर यूज हो रहा है और शॉर्ट कोड इंसर्टर जो है शॉर्ट कोड इंसर्टर देखेंगे कि जब वो गुटेनबर्ग आपने इंस्टॉल किया आप किसी पोस्ट टाइप के ऊपर जाएंगे तो वो जो शॉर्ट कोड इंसर्टर है वो विजिबल है या नहीं वहाँ पे। अगर तो वो वहाँ पे विजिबल है और आप वो ब्लॉक बना हुआ है ठीक है तो फिर तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अपना फीडबैक दे सकते हैं कि भाई ये कंपेटिबल है उसके साथ ठीक है। तो इस तरह आपके इतनी ही एफर्ट से आप जो है गुटेनबर्ग के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नॉन डिवेलपर्स हैं और जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि यार गुटेनबर्ग क्या है। और थर्ड थिंग इज के ब्राउज़र के अंदर अगर आपने गुटेनबर्ग के इश्यूज निकालें कि यार गुटेनबर्ग के अंदर क्या इशू आ सकता है, आप मोस्टली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करें, डिफरेंट जो है वो अपडेटेड वर्जन यूज़ करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ पे आपको इश्यूज देखेंगे मिलने को। तो ये जो जस्ट मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि जब आप कहीं भी इशू रिपोर्ट करेंगे और आपको एक जब अप्रिसिएशन मिलेगी तो उससे आपको डेफिनेटली एक मोटिवेशन भी मिलेगी। दैट्स थिंग दैट्स ओवर।